ओम नमः चंडिकाय। अथ दुर्गा सप्तशती त्रयोदश अध्याय। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में सूरत और वैश्य को देवी का वरदान प्राप्त कैसे हुआ, यह विवरण दिया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 29 श्लोक आते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रतापूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों लगातार 3 वर्ष तक संयमपूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, अब वह तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडी जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इसी तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय।